हे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के अपडेट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आज कुछ बड़े बड़े एनिमे के अपडेट्स आए हैं, इसलिए चलो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो कि आता है इमिनेंट शैडो के सीजन 2 को लेकर, जिसका नया ट्रेलर और उसके प्रीमियर की इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील हो चुकी है। और अब ये एनिमे शेड्यूल हो चुका है अक्टूबर के लिए। और इसके अलावा स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 का 2 न्यू की विजुअल हम लोग को देखने को मिला है। और स्पाइक्स फैमिली का सीजन 2 भी अभी शेड्यूल है अक्टूबर 2023 के लिए। और साथ ही एक बहुत ही बड़ा एनिमे अपडेट भी आया है जो कि है ब्लिस 1000 ब्लड वॉर के कोर 2 को लेकर, जिसका नया ट्रेलर और की विजुअल हम लोग कल देखने मिला है। और ये जो नया ट्रेलर देखने मिला है कोर 2 का, यार काफी ज्यादा कमाल का मुझे लगा है सच बताऊं तो। और आप लोग को ये ट्रेलर पसंद आया कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। लेकिन हम लोग बात करें कि इसका कोर 2 हम लोग कब तक देखने मिलेगा, तो ये शेड्यूल है अभी 8 जुलाई के लिए। एंड अब सच बताऊं तो मैं कोर 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड अब इसके अलावा हम लोग बात करें अब डीमन स्लेयर स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क के एपिसोड 8 के बारे में, जो कि अब फाइनली रिलीज हो चुका है। तो अगर आप लोग इसे एपिसोड 8 देखना है तो आप लोग इसे क्रंची रोल के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर, बिलीबिली के ऊपर देख सकते हो। साथ ही जो ये एपिसोड 8 होने वाला है ये काफी ज्यादा इनसेन है, मतलब इस एपिसोड को उसी स्टाफ टीम ने बनाया है जिन लोगों ने सीजन 1 के एपिसोड 19 और डीमन स्लेयर सीजन 2 के एपिसोड 10 को अडैप्ट किया था। तो उसी सेम स्टाफ ने इस बार सीजन 3 के एपिसोड 8 को अडैप्ट किया है, जिससे पता चली आप लोगों को कि एपिसोड 8 की एनिमेशन जो है वो कितनी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने एपिसोड 8 को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लेना। एंड इसके अलावा हम लोग बात कर ले अब कुछ क्रंची रोल इंडिया के अपडेट्स के बारे में। तो क्रंची रोल के ऊपर टेंची मुयू नाम का एनिमे जो है वो स्ट्रीम हो रहा है। साथ ही एमआई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एनिमे भी स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल के ऊपर। तो आप लोग चाहो तो अभी इन एनिमेस को जाके चेकआउट कर सकते हो सब में। और अब कुछ शेड्यूल रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बात कर ले तो आज आप लोगों को डिज्नी चैनल के ऊपर गटा पिशी नाम का एनिमे देखने को मिलेगा। और ये एनिमे आप लोगों को दिन के 12:30 बजे देखने को मिलने वाला है डिज्नी चैनल पर। तो अगर आप लोग को इस एनिमे को देखना है तो आज आप लोग इसे एपिसोड 1 से देख सकते हो। और साथ ही माकोटो शिंकाई की मूवी सुजुमे नो तोजिमारी के ब्लू रे की जो डीवीडी है वो रिलीज होने वाली है जापान में 20 सितंबर को। बट अब इसके अलावा हम लोग बात करें अब एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में जो कि आता है म्यूज इंडिया के चैनल को लेकर, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने हाल फिलहाल में देखा था कि म्यूज इंडिया चैनल जो है वो हिंदी सब एनिमेस जो है वो अपने चैनल के ऊपर स्ट्रीम कर रहे थे। बट बहुत सारे लोग अभी भी हिंदी सब एनिमेस से ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों को हिंदी डब एनिमे चाहिए म्यूज इंडिया पर। तो इसी को लेकर म्यूज इंडिया चैनल ने एक अपडेट दिया है जिसका क्रेडिट मैं हिडन एक्सोड आर को देना चाहूंगा, क्योंकि म्यूज इंडिया चैनल ने हम लोगों को बताया है कि वो बहुत जल्द हिंदी डब एनिमेस लाने वाले हैं। और हिंदी डब एनिमेस कब देखने मिलेंगे इसके बारे में बताया गया है कि वो इसी साल हम लोगों को देखने मिलेंगे उनके चैनल पर। और अब वो कौन सा एनिमे हिंदी डब लाने वाले हैं इसके बारे में तो उन्होंने कुछ खास बताया नहीं हम लोगों को, बस यही बताया है कि वो जो भी हिंदी डब एनिमेस लाएंगे वो इसी साल हम लोगों को देखने को मिलेंगे। बट अगर म्यूज इंडिया चैनल सच में हिंदी डब एनिमेस लाने का प्लान कर रहे हैं इस साल, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग टोकी रेंजर्स या फिर क्लासरूम ऑफ द इलाइट या फिर स्पाइक्स फैमिली जैसे एनिमे को डब करें, जिससे उन्हें अच्छा खासा व्यूज मिले यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि उन्हें कुछ यूट्यूब के ऊपर खास व्यूज मिलते नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर वो लोग डब लाएं तो वो कोई पॉपुलर एनिमे से ही डब स्टार्ट करें। हालांकि आपका क्या ओपिनियन है म्यूज इंडिया चैनल को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। और ये भी बता देना कि म्यूज इंडिया चैनल को कौन सा एनिमे हिंदी डब करना चाहिए। बट इसके अलावा हम लोग बात करें बाकी एनिमेस के बारे में, जैसे म्यूज एशिया चैनल के ऊपर अभी हंटर हंटर का एनिमे जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग म्यूज इंडिया ने भी हम लोग को अपडेट दिया है कि हम लोग को बहुत जल्द हंटर हंटर एनिमे जो है वो म्यूज इंडिया चैनल के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एओटी और डीमन स्लेयर के बारे में बात किया गया था म्यूज इंडिया चैनल से, जहां पे उन्होंने बताया था कि वो एओटी और डीमन स्लेयर एनिमे को जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन सब एनिमेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जो कि पता है यार ज्यादा पॉपुलर एनिमेस जो है वो यूट्यूब के ऊपर कभी स्ट्रीम होते नहीं है। इसलिए जाहिर सी बात थी कि हम लोग को वो सब एनिमेस तो कभी यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेंगे नहीं। इसलिए इससे अच्छा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है नरुटो के रिपीट टेलीकास्ट को लेकर। तो नरुटो स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने काफी सारे लोगों ने इस चीज के बारे में बात किया था कि नरुटो का जो रिपीट टेलीकास्ट है वो हम लोग को सैटरडे और संडे को देखने को मिल सकता है। और इसके बारे में यार लिटरली काफी सारे क्रिएटर्स ने बात किया था कि हम लोग को सैटरडे संडे को इसका रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलेगा। और मैंने भी इसके बारे में आप लोग बताया था और मैंने ये भी कहा था कि बहुत कम चांसेस है कि रिपीट टेलीकास्ट जो है वो सैटरडे संडे को हो, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था कि सैटरडे संडे को अगर रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता है तो जैसे नरुटो को पिछले बार रिपीट टेलीकास्ट किया गया था, जैसे सभी नए एपिसोड को खत्म कर दिया गया था सोनी ए पर, और फिर इसके बाद सोनी ने सीजन 1 से रिपीट टेलीकास्ट किया था, तो शायद इस बार भी सोनी जो है वो सीजन 5 से 7 8 के खत्म होने के बाद उसका रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। बट यहाँ पे अब सबका सवाल ये आता है कि सोनी जो है वो रात के 9 बजे के अलावा कभी और टाइम पे नरुटो को रिपीट टेलीकास्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रात में नरुटो को 9 बजे देखने में काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए सभी को रिपीट टेलीकास्ट की टाइमिंग जाननी है। क्योंकि सीजन 1 के टाइम हम लोगों ने देखा था कि नरुटो को कितना अच्छे तरीके से रिपीट टेलीकास्ट किया गया था, मतलब उसे सुबह के टाइम किया जाता था, फिर दिन के टाइम किया जाता था, और फिर रात के 8 बजे हम लोग को देखने मिलता था उसके नए एपिसोड। लेकिन सच बताऊं तो सोनी जो है वो उसकी सजा लगता है आज तक भुगत रही है, इसलिए वो लोग अब रात के 9 बजे से ज्यादा टाइम नहीं रखते हैं नरुटो के, क्योंकि जो सीजन 1 के टाइम लोगों ने किया था इतने सारे रिपीट टेलीकास्ट की टाइमिंग रखी थी, जिसकी वजह से काफी सारे पेरेंट्स ने इसको रिलेटेड कंप्लेन किया था सोनी को कि वो लोग किस तरह का शो दिखा रहे हैं अपने चैनल पर। क्योंकि जैसा कि हम लोग पता है कि सोनी जो है वो पूरी तरीके से किड्स चैनल था, लेकिन सोनी ने इस बार कोई नई चीज करने की ट्राई की थी। इस बार उन लोगों ने सोचा था कि वो टीनेजर और एडल्ट ऑडियंस को भी टारगेट करेंगे, इसलिए उन्होंने नरुटो जैसे एनिमे को स्टार्ट किया अपने चैनल पर। और नरुटो ने वो काम बखूबी निभाया, पर जो पेरेंट्स है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उन्हें
नारुतो से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए वो सोनी को काफी ज्यादा कंप्लेन करने लगे। जिसके सीजन 1 के खत्म होने के बाद सोनी ने सोचा कि अब वो सीजन 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 सबको वो रात के 9 बजे ही दिखाएंगे अब। और जहां तक रिपीट टेलीकास्ट टाइमिंग बारे में बात करें तो रिपीट टेलीकास्ट भी जो है वो अब रात के 9 बजे ही होगा। इवन वो लोग सैटरडे और संडे को भी रिपीट टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं नारुतो का, क्योंकि सोनी के ऊपर दिन भर हनी बनी का झोलमाल और ऑगियन द कॉकरोचेस आते रहता है। इसलिए अगर उस टाइम पे अगर वो लोग नारुतो का रिपीट टेलीकास्ट करेंगे तो फिर से यार पेरेंट्स जो है वो कंप्लेन करने लगेंगे। इसलिए मैं आप लोग यही सजेस्ट करूंगा कि नारुतो रिपीट टेलीकास्ट देखने से अच्छा आप लोग जियो टीवी के ऊपर नारुतो को देख लो। और बस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोग का डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।